हमारी भारत माता बहुत भाग्यशाली है। ऐसे बहुत राष्ट्र है इस धरती पर जहां ईश्वर के प्रेषित आते हैं। भारत का भाग्य सौभाग्य इसमें है कि स्वयं ईश्वर इधर अवतार लेते हैं और बहुत से प्रेषित बनाते हैं, जैसे कि लोकमान्य तिलक जी थे, स्वातंत्र वीर सावरकर थे, महात्मा गांधी थे, स्वामी विवेकानंद थे, कौन नहीं थे। बहुत बड़ी विशाल परंपरा इस राष्ट्र को प्राप्त हुई है। तो हमारी सोच ये कि एक विवेकानंद बनने से कुछ नहीं होता, ऐसे बहुत से विवेकानंद बार बार इस धरती पर अवतार लेते हैं, लेकिन इनकी एक अक्षुण्ण परंपरा बननी चाहिए। तो हमारी ये सोच विचार है कि हमारी संस्था जो पुणे में स्थित है, लेकिन अभी उसका कार्य पूरा ग्लोबल बन गया है, उसका नाम है आदित्य प्रतिष्ठान। वो गेली 32 वर्ष से कार्य कर रही है, अक्षुण्ण कार्य चला है उसका, और बहुत से पूरी दुनिया में उसके केंद्र बन गए हैं। अभी अभी आदित्य प्रतिष्ठान ने पुणे बंबई के बीचों बीच एक जगह है लोनावला के पास 35 एकड़ जगह खरीद ली है। वहां मानवीय संस्कृति का अभूतपूर्व, ना पहले किसी ने बनाया है ना आज विद्यमान है, ऐसा एक अभूतपूर्व वैश्विक संत विद्यापीठ बन रहा है। इस वैश्विक संत विद्यापीठ में बहुत बड़ा ग्रंथालय होगा, एक प्रदर्शनी होगी, इंटरनेशनल रिसर्च एकेडमी होगी, अधिष्ठान रूप मंदिर रहेगा, रहने की जगह होगी, प्रशासकीय दालन भी होंगे, गुरुकुल स्कूल होगा वहां पे, और वहां एक बहुत ही सुंदर अभ्यासक्रम होगा कि पूरी राष्ट्र से विदेश से भी लोग आ सकते हैं, उसे आत्मसात कर सकते हैं। हमारी संस्कृति के अष्टांग है, धर्म कारण माने धर्म आ गया, दूसरा है राष्ट्र कारण माने हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, तीसरा है समाज कारण माने सोशियोलॉजी, चौथा है अर्थ कारण, इसका अर्थ है इकोनॉमिक्स, पांचवा है वांग्मय यानी क्लासिकल लिटरेचर आ गया, छठा है तो विज्ञान है माने साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई, सातवा है तो कला और क्रीड़ा है माने फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स आ गए, और अंततः आठवा जो अंग है संस्कृति का वो है शिक्षा माने एजुकेशन आ गया, विद्या भी आ गई और एकात्म ज्ञान भी आ गया। HSC के बाद 5 वर्ष का पदवी का अभ्यासक्रम हमने तैयार किया है। ये हमारी राष्ट्र का पहला ऐसा अभ्यासक्रम बनेगा, करिकुलम, कि जो अष्टांग की पूरी जानकारी छात्रों को देगा। इसका एफिलिएशन रखा बंबई यूनिवर्सिटी से और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से, और यहाँ HSC के बाद ज्यादा नहीं, केवल 50 छात्र आएंगे प्रतिवर्ष, और 5 वर्ष क्रमान्वित अध्ययन करके उन्हें पदवी प्राप्त होगी। उन्हें ज्ञान भी दिया जाएगा और विज्ञान का भी ज्ञान दिया जाएगा, कंप्यूटर का पूरा ज्ञान उन्हें यहाँ मिलेगा, केवल कंप्यूटर का नहीं, उन्हें ज्ञान का भी ज्ञान यहाँ प्राप्त होगा, क्योंकि विज्ञान का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अधिष्ठान है अध्यात्म यानी कि इंटीग्रल नॉलेज। हमारी धारणा ये है कि ज्ञान विज्ञान दोनों साथ साथ चले, अगर ज्ञान नहीं तो विज्ञान अंधा है। पूरे विश्व ने इसका अनुभव किया, WTC का क्या हुआ आप सोचिए, 20 मिनट में सब खत्म हो गया। साइंस टेक्नोलॉजी हाथ में है लेकिन उसका प्रयोग कैसे करें, इसकी ज्ञान की आंखें नहीं है, वो विनाशक बन सकता है। इसके लिए विज्ञान को ज्ञान की आंखें चाहिए और ज्ञान को विज्ञान के पैर चाहिए। अगर ज्ञान नहीं तो विज्ञान अंधा, अगर विज्ञान नहीं तो ज्ञान पंगु बन जाता है। सो ज्ञान विज्ञान का समन्वय करके हम वहां अभ्यासक्रम इकट्ठा करना चाहते हैं, जिसका अधिष्ठान बनेगा हमारी श्रीमद् भगवद गीता, और इसके हिसाब से वहां से ग्रेजुएट्स लोग बाहर आएंगे और हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए पूरी दुनिया में जाएंगे। हमारी गणपति अथर्वशीर्ष में बोल दिया है, हे गजानन, हे गणेश, आप त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयो सी, इसका अर्थ है आप ज्ञान और विज्ञान का समन्वय है। गीता का 7वां अध्याय भी ज्ञान विज्ञान योग ही है। तो यहाँ ऐसा एक अभ्यासक्रम, ऐसा एक करिकुलम बनेगा कि जहाँ संस्कृति के अष्टांग पर अभ्यास होगा, क्रमान्वित अध्ययन, और 5 वर्ष के एक बाद पदवीधर वहां से पूरी दुनिया में जाएंगे और हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति